गाइस अब ये काले चने बनाएंगे। इसके लिए हमने इसे धो के ले लिया है, कर ले लिया है। इसमें हमने सारे चने डाल देंगे अपने, इसमें हम डाल देंगे सारे। इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, थोड़ी हमने दालचीनी और ये स्टार फूल ले लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसमें और इसे हम बॉइल होने के लिए रख देंगे, 4-5 सीटी लगाएंगे। हमारे छोले उबल चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो हमारा तेज पत्ता निकाल देंगे इसमें से, जायफल भी हम अपना निकाल देंगे। इधर हमने एक कटोरी ले ली है, उसमें हमने भरकर बड़ी चम्मच एक भरकर हमने ये सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है। यही मसाले को आधी चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसी में, और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। वैसे काला नमक डाल देंगे इसमें आधी चम्मच। हमें ये ध्यान रखना है, हमने पहले भी हमने बॉईल करते समय नमक डाल दिया था, इसलिए हम ये थोड़ा ही डालेंगे, इससे हमारे चने में टेस्ट आता है। इधर हम काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी। ये जो हमारा छोले का पानी था, वही हम इसमें मसाले में डालकर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। सकते हैं हमारा बैटर बनके तैयार है। गाइस हमने ये रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं, हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। इधर हम ये हींग डाल देंगे, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। गाइस ये जो हमने बैटर तैयार करा था वो भी डाल देंगे इसी में ही। सकते हैं गाइस हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है। बॉइल करे हुए हमारे छोले पे पानी समेत ही हम इसमें डाल देंगे। गाइस ये हम अदरक के थोड़े से हम लच्छे डाल देंगे। देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया बन रहे हैं हमारे छोले। अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, इससे ना कलर अच्छा आएगा, थोड़ा शाइनिंग आएगी। हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे इसमें। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है हमारे छोलों पे। इसे हम सर्व कर लेंगे। गाइस कुछ हमने हरी मिर्च और अदरक की लच्छे डाल दिए हैं इसमें। अब हम ये धनिया चॉप करा हुआ डाल देंगे इसी के ऊपर से। गाइस हमारे छोले कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, और हमें बताइएगा हमारे छोले कैसे बने हैं। धन्यवाद।